बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सब का प्रयास की ताकत से नए रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर रहे हैं। आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास को निजी क्षेत्र, शिक्षाविद, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। पीएम मोदी, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि भारत अपने दम पर कितना कुछ बना रहा है, और क्या बताया था, प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया, ये लोग बेच देंगे, प्राइवेट सेक्टर को मोदी ने गलत दे दिया। वही चीज़ मोदी जी कह रहे हैं जो उस समय कहा था, वही मोदी जी भी कह रहे हैं। आइए जरा सुने पहले मोदी जी क्या कह रहे हैं। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। समझ में आया, देश के स्वाभिमान का तो नुकसान है ही है, रणनीतिक रूप से बहुत गंभीर खतरा है। क्यों? वो बोफोर्स के गोले नहीं मिले थे दादा आपको, जिस समय आप युद्ध लड़ रहे थे ना कारगिल का, था बोफोर्स ने आपको गोले देने से मना कर दिया था, हम नहीं देंगे। इसलिए इसलिए खुद का होना चाहिए हथियार। स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। क्या नया डिफेंस इकोसिस्टम? बहुत बड़ा शब्द है, स्वावलंबन 2022 है ना, इतना बड़ा शब्द है कि रविंद्र जी को पल्ले नहीं पड़ने वाला, इनके बस की बात नहीं है कि इनको समझ में आए। आज डिफेंस आरएनडी को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आईआईटी जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। वो न्यूज याद है जो आपको बताया था कि आईआईटी को पर प्रोजेक्ट के पहले कितने पैसे मिलते थे, अब कितने मिलते हैं? पहले कुछ लाख मिलते थे, फिर शायद 50 लाख, फिर शायद 50, ओवरऑल जो एक इंस्टीट्यूट को है जो वो ग्रांट बढ़ा के 50 करोड़ या 200 करोड़ कर दी गई, एक एक प्रोजेक्ट का जो 10 लाख से 50 लाख कर दिया गया, याद है? ठीक है, आगे इनोवेशन सर तभी होगा ना जब आप लैब से लाओगे, तो लैब में खर्चा तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहां तो कठिनाई ये है कि हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेज या इंजीनियरिंग की दुनिया, वहां डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते। क्या बड़ी बात कही है मोदी जी ने, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां डिफेंस इक्विपमेंट रिलेटेड कोर्स हो। यानी अब ये फिर नई यूनिवर्सिटी आने वाली है बॉस, जल्दी आने वाली है, मान लिया है तो बाहर से मिल जाएगा, यहां कहां पढ़ने की जरूरत है। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की है। डीआरडीओ और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। एनआईआई हो, आईडेक्स हो या फिर टीडेक, ये सभी आत्मनिर्भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गति देने वाले हैं। ठीक है साहब, तो ये फर्क आया भारत में, भारत अब पहले इंपोर्ट डिफेंस के मामले में इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री थी, अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर हो गए, बस इतना सा फर्क आया, ज्यादा नहीं। जिनको समझ आया उनको आ गया, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। सर, देश में पॉलिसी चेंज करवाने का कोई तरीका है? लाइक कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स प्राइवेट कंपनी वाले बनाते हैं और गवर्नमेंट के पास टेस्ट करने का टाइम नहीं होता, इससे डेटा ब्रीच और दिक्कत आती है, शिवम जी कहते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं सर, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं। इस समय ऐसी सरकार है इसके सभी मंत्री जो है डायरेक्टली मिल लेते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आप सीधे जाके सरकार से मिल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये फ़र्क है साहब, मोदी जी ने डिफेंस के सेक्टर में इतनी सारी बातें करी, हम कहते हैं डिफेंस के लिए अलग से या तो कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लेकर आए कोर्स, या फिर सरकार कोई नया इंस्टीट्यूट बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे जिसमें सिर्फ डिफेंस की बात हो, और अलग अलग यूनिवर्सिटी बना दे, एयर डिफेंस अलग, नेवल डिफेंस अलग,
ताकि बिल्कुल स्पेशलाइज चीजें निकले। और पहले एडमिशन ये नहीं सर ये 12वीं 12वीं के बाद वाला कचरा बंद करो, ये 8वीं तक 8वीं में एक एग्जाम ले लो, आपको जिसमें लगता है पोटेंशियली ये सीख रहा है बच्चा उसको ले लो। वो इसे उसी पैटर्न पे 12वीं तक रखेंगे, 12th तक CBSE वाली आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर इसके आगे सेलेक्ट हो गए, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, 25% को मिलेगा, जो अच्छे होंगे क्रीम ऑफ द क्रीम होंगे, क्योंकि हमको डिफेंस में हम मजाक नहीं कर सकते ना, तो जो बेहतरीन जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो वहाँ जाएगा, जो बेहतरीन बच्चा होगा। और उसको पहले दिन से, जिस दिन आप उसको कॉलेज में एडमिशन लेते हो उसी दिन से उसको तनख्वाह देना शुरू कर दो, स्टाइपेंड देना शुरू कर दो पहले ही दिन से। हम ये नहीं जैसे इनसे गलत, यहाँ क्या गलती हुई, इन्होंने बोला कि हम नौकरी दे रहे हैं आपको, नौकरी बोलना नहीं था सर आपको अग्निवीर को, आपको अग्निवीर को बोलना था ये हम इसका वार्म अप प्रोग्राम है, इस वार्म अप प्रोग्राम में हम आपको स्टाइपेंड देंगे और ये स्टाइपेंड इतना है, और सिलेक्शन होगा इसके बाद तो फिर बात ही अलग है, ये तो उससे प्री प्रोग्राम है, ये कोई नौकरी थोड़ी दे रहे हैं हम। आप इस तरह से चलते हैं बड़े इजीली जाते हैं, है ना। खैर तो साहब कुल मिलाकर एक चीज़ आज और बाहर निकल कर आई, और वो ये कि हमको ऐसी भी किसी चीज़ की जरूरत है, ऐसी भी हमको यूनिवर्सिटी और ऐसे इंस्टीट्यूट्स की हमको आवश्यकता है। आप में तो सब परिवारजन वाले लोग हैं, परिवार की दुनिया आप भलीभांति समझते हैं, जानते हैं। आप अपने बच्चे को घर में मान सम्मान प्यार न दो और चाहो कि मोहल्ले वाले आपके बच्चे को प्यार करें तो होने वाला है। आप उसको हर दिन निकम्मा कहते रहोगे और आप चाहो कि पड़ोसी उसको अच्छा कहे, कैसे होगा। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है, यानी इंडिजिनस हथियार लेंगे, परिवार बाहर के हथियार अब नहीं खरीदेंगे, इंडिजिनस जो हम अपने आप बनाएंगे वही अपने आप लगाएंगे, और वही दुनिया को जब हमारे यहाँ आदमी देखेगा भाई इनके यहाँ लगे हैं, इनके यहाँ सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो फिर वो दुनिया खरीदेगी। तो ये भी एक आयाम है, खाली आयुर्वेदिक नहीं, इधर पर भी है, तो कमाई तो सब जगह है सर, फ्रंट तो सारे खोल रखे हैं और बिल्कुल रेड कारपेट बिछी हुई है। आप जाइए अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए, काम शुरू कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और 8770720196 पर गूगल पे पेटीएम फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani.